2023 में साउथ इंडियन सिनेमा की कई मास्टरपीस मूवीज रिलीज हो चुकी है और उन्हीं में से इस वाले वीडियो के अंदर मैंने साउथ की टॉप 5 ऐसी नई मूवीज को कवर करने की कोशिश की है जो आपको डेफिनेटली वॉच करनी है, क्योंकि आप इन मूवीज की स्टोरी और इनकी पॉजिटिव चीजों को जानकर इन मूवीज को देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो हाई हेलो एवरीवन, मैं अरीज खान आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज पर। तो गाइज, अगर आप इन मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, आपको ये कन्फर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी आपके लिए वर्थ टू वॉच है। तो चलिए गाइस अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है पद्मनी। रामेश्वरन जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर होता है जिसकी पहली शादी फेल हो जाती है। दरअसल उसकी शादी वाली रात को उसकी होने वाली पत्नी स्मृति अपने लवर के साथ चली जाती है और फिर रामेश्वर को भी दूसरी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हालांकि जब उसके कॉलेज के अंदर पद्मनी नाम की एक गेस्ट लेक्चरर आती है तब उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है जिसकी स्टोरी सो सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मूवी आपको फुल्ली इंगेज रखेगी। और इस मूवी के अंदर जो कास्टिंग की गई है वो इस मूवी की स्टोरी के हिसाब से एकदम ओके हैं। और नो डाउट ये एक अच्छी मूवी है जिसके अंदर ह्यूमर मैच मेकिंग के रिलेटेड कंटेम्पररी इश्यू के साथ परफेक्टली ब्लेंडेड होता है। बाकी 2023 में इस ड्रामा कॉमेडी फैमिली मूवी को रेटिंग मिली है 6.6 की और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर है गांधी वधारी अर्जुना। आदित्य राज जो कि इंडिया के सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं जो कि लंदन के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर होने वाले एक यूएन समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। हालांकि जिस ऑफिसर की टीम को उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी दी जाती है वो ऑफिसर और उसकी टीम उनकी जिम्मेदारी सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद अर्जुन वर्मा को बुलाया जाता है। और जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस अनफोल्ड होना शुरू हो जाते हैं तब तब आदित्य राज यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर के लिए खतरा भी बढ़ता जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी का नरेशन थोड़ा सा स्लो है जिस वजह से आपको मूवी देखते टाइम थोड़ा बोर फील हो सकता है। हालांकि मूवी के अंदर जो विजुअल्स है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है और वरुण तेज और नासान ने अपने अपने रोल में बेस्ट दिया है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर कोई भी स्टैंड आउट नहीं कर पाता है। और मूवी की पुअर राइटिंग के साथ इसका लेगी स्क्रीन प्ले आपको नो डाउट बोर फील करा सकता है। जो इस मूवी की स्टोरी और इसका स्लो नरेशन है वो इस मूवी को ड्रॉप कर देता है। ओवरऑल आप इस मूवी को सिर्फ वरुण तेज की परफॉर्मेंस के लिए देख सकते हो। बाकी 2023 में इस एक्शन थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली 8.1 की। नंबर 3 पर है भागसाले। अर्जुन जो कि एक मिडिल क्लास यंगस्टर होता है और माया जो कि एक बहुत ही अमीर लड़की होती है जो एक दूसरे से डीपली प्यार करते हैं, लेकिन माया को इस बारे में पता नहीं होता है कि अर्जुन एक मिडिल क्लास लड़का है। दरअसल अर्जुन माया को ये कन्वेंस कर लेता है कि उसके पास काफी पैसा है और माया को भी उस पर भरोसा हो जाता है, उस पर विश्वास हो जाता है। हालांकि उन दोनों की लाइफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सैमुअल माया की फैमिली को एक रेयर डायमंड के लिए टारगेट करना शुरू कर देता है। ఇప్పుడు చూడు పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి పడేస్తా। मूवी में श्री सिम्हा कोदूरी के परफॉर्मेंस के साथ कुछ कॉमेडी सीन्स ओके हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में इसका स्क्रीन प्ले आपको थोड़ा सा बोर फील करा देगा। और इस मूवी की कास्ट इस मूवी को चलाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आता है। और गाइज ये मूवी सिर्फ इसकी कॉमेडी और ड्रामे की वजह से ही वन टाइम वॉचेबल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को देखने से पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम ही रखना। बाकी 2023 में इस क्राइम कॉमेडी मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 की। नंबर 2 पर है किंग ऑफ कोथा। राजू जो कोता के अंदर अपने दोस्तों के साथ रहता है जो कोता फुटबॉल क्लब का फाउंडर भी होता है। वैसे तो राजू एक गैंगस्टर है लेकिन इसके बावजूद भी वो कोता वाले लोगों की मदद करता रहता है। और राजू अपने दोस्तों के साथ और साथ ही अपनी लैला यानी गर्लफ्रेंड तारा के साथ बहुत खुश होता है। हालांकि गाइज राजू की लाइफ तब स्पॉइल हो जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड तारा के साथ उसका जिगरी दोस्त कनन भी उसे धोखा दे देता है। अब मुझे नहीं पता है कि शुरू कहाँ से करना है क्योंकि स्टार्ट टू एंड मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। और इस मूवी को दुलकर सलमान अपने कैपेबल शोल्डर्स पर कैरी करते हैं और किंग ऑफ कोता एक गैंगस्टर मूवी है जो आपको स्टार्ट टू फिनिश एंगेज रखेगी क्योंकि इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ग्रिपिंग है, साथ ही इसकी सिनेमेटोग्राफी सुपर्ब है जो कि कहीं ना कहीं इस जॉनर के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी 2023 में इस एक्शन ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली है 6.7 की। तो गाइज
नंबर वन पर है टोबी। टोबी नाम का एक ऐसा इनोसेंट आदमी यानी कि एक ऐसा मासूम आदमी जिसे कि उसके गांव का मुखिया आनंद हमेशा ही उसे एक हथियारे के रूप में इस्तेमाल करता रहता है। हालांकि जब आनंद टोबी की बेशकीमती संपत्ति को लेने की कोशिश करता है तब जेनी टोबी के अंदर के जानवर को जगा देती है। राज बी शेट्टी इस मूवी के अंदर सिंगल डायलॉग के बिना भी इस मूवी की स्टोरी को ग्रिप बना सकते थे और वो अपने इनोसेंट एक्सप्रेशंस के साथ अपने रोल के अंदर नेल्ड इट रहते हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि राज बी शेट्टी अपनी एक्टिंग से आपको शो कर देंगे। वही मूवी के अंदर जो स्लो मोशन एक्शन शॉट्स होते हैं उनका लेवल ही अलग होता है। इस मूवी की स्टोरी डिफरेंट है, इसका डायरेक्शन भी डिफरेंट है, साथ इस मूवी का एक्शन भी काफी डिफरेंट है और इस मूवी के अंदर जो जेनी नाम की छोटी बच्ची होती है उसने भी काफी अमेजिंग एक्टिंग की है। बाकी 2023 में इसी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी को रेटिंग मिली है 7.7 की। तो गाइज ये थी वो साउथ की 2023 में रिलीज होने वाली कुछ ऐसी नई फिल्में जो आपको एक बार तो डेफिनेटली वॉच करनी है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर एड की गई मूवीज भी। तो अगर आपको वीडियो के अंदर जरा सा भी कुछ ही पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।